अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं, मोदी के चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान। धारा 370 जब हिंदुस्तान से कश्मीर से हटाई गई, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान अपनी हरकत में आ गया। उसने तुरंत ही अपनी सेनाओं को तैयार रहने के आदेश दिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कल बात की, हम आपको ये सारी तरतीब भाई बताएंगे कि ये सरहद पर क्या हो रहा है। सरहद पर आज की डेट में एक नाजुक हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान की सेना खड़ी है, इधर हिंदुस्तान की सेना खड़ी है, दोनों युद्ध के कगार पर पहुंचे हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे तरतीब भाई कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। जब हम धारा 370 की बात करते हैं, जिस दिन धारा 370 खत्म हुई, पाकिस्तान में हलचल शुरू होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर हम बात देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज्वाइंट सेशन बुलाया पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ज्वाइंट सदन के अंदर वो एक असहाय के रूप में खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये कहा, ऑन द रिकॉर्ड है जो, उसके अंदर ये कहा उन्होंने कि मैं क्या करूं, मैं इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों के बीच में जा आया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्या बताओ मैं हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दूं। ये जीत है नरेंद्र भाई मोदी की, जिसकी कूटनीति के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से असहाय हुआ हुआ है। उसके बाद वहां के मिनिस्टर्स हिंदुस्तान के विरुद्ध जहर घोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तरफ जुम्मे के दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, और उनकी उन्हीं की जनता उनके विरुद्ध स्टेटमेंट पर भी जारी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, पाकिस्तान एक पूरी तरह से एक असहाय की स्थिति में खड़ा है। अगर हम ये देखा जाए हिंदुस्तान के ऊपर, पाकिस्तान जो ये बार बार ये कह रहा है अगर युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर बम गिरेंगे, ये धमकी दे रहे हैं। एक तरफ ये धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूएन के अंदर बातचीत कर रहे हैं। ये क्या चीज है, इसको हम क्या कह सकते हैं। और सेकेंडरी बात, और जो मेन बात सरहद पार से हमें सुनने को आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के बिलावल अली भुट्टो ने जंग से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है, और वो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर के बारे में बात नहीं करनी, अब जो बचा है मुजफ्फराबाद उसी को बचा लो। ये सब बहुत बड़ा संदेश है, और इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मोदी के चक्रव्यूह में पाकिस्तान आज की डेट में पूरी तरह से असहाय हुआ हुआ है। और सेकंड हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। इकोनॉमी की दृष्टि से भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत पिछड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले यूएसए ने भी उन्होंने आर्थिक मदद देने से उनको इनकार कर दिया। अब अगर देखा जाए कि अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान क्वेटा पेशावर वाला जो पार्ट है, वो भी उधर से भी आक्रमण होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी सदियों से अलग बलूचिस्तान बनाने की मांग करते आ रहे हैं। और इन दृष्टों के उसके बाद हम आगे चलते हैं कि अगर पाकिस्तान आज पूरे विश्व में सबसे अलग थलग खड़ा है, उसका क्या कारण है। पाकिस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान का दुश्मन उसके अंदर चल रहा टेररिज्म है, आतंकवाद है, जो जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अगर वो सपोर्ट करना बंद कर दे तो शायद हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बात सुनी जा सके। अब हम बात करते हैं जंग की। जब तीनों अटैक हुए, तीनों बार मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान सेना को, और कारगिल के अंदर हमारे जवानों ने पूरी तरह से वीरता का एक परचम लहराया, और कारगिल के अंदर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तीनों युद्धों में और कारगिल के युद्ध के बाद उनके जनरलों का क्या हाल हुआ, ये आप सब भली भांति परिचित हैं। तीनों युद्धों में युद्ध हुए तो उसके अंदर जो भी जनरल थे, मुशर्रफ थे, उनको पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान से देश निकाला दे दिया। कुल मिलाकर इधर हिंदुस्तान की बात करें तो नरेंद्र मोदी का दहशत, नरेंद्र मोदी का चक्रव्यूह, अमित शाह नरेंद्र मोदी की टीम ने वो हासिल मुकाम कर लिया है कि जिससे पाकिस्तान आज थर थरा कर सोचने के लिए, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण सोचने के लिए पूर्ण रूप से मजबूर है। और आज एक बात और कह देना चाहते हैं हम अपने चैनल की तरफ से, अगर पाकिस्तान आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डरा हुआ है, वो ये बात दिमाग से निकाल दे, हिंदुस्तान के घर घर में उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग मिलेंगे। कुल मिलाकर इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर हम ये अनुमान लगाए कि आज की डेट में सरहद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रही है,
भविष्य के अंदर क्या होगा ये किसी को किसी बात का कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि जो भी बातचीत हो अमन चैन के साथ हो सके। ये थी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।